पास है जो लगे हैं हमारे लोगों के तो इसी के हैं, बस यही है। इसको अभी डिस्काउंट करना नहीं आता, सीख रही है अभी, मम्मा से सीखेगी फिर पता चलेगा हमें आगे। और यहाँ पे जो पानी बह रहा ना, पानी सारा जम चुका है भाई, ये देख सकते हो। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो पूरा पानी इधर ये साइड से ना जम रहा है, ये देखो ये सारा, ये देखो पानी जो यहाँ से बह रहा है ना, ये देखो ये पानी देखो यहाँ पे, ये पूरा पानी जम चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाचुंग। तो गाइस सुबह हो चुकी है और ये नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई। मेरा नाम है अजहर और आप देख रहे हैं फूड स्मेल्स में व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह का माहौल हो रहा है, सुबह का टेम्परेचर एक बार बताता हूँ मैं, क्या टेम्परेचर हो रहा है अभी? -4 टेम्परेचर हो रहा है भाई साहब। और इधर पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, चारों तरफ पूरा स्नो से कवर्ड है, पूरे माउंटेन स्नो से कवर्ड हो रखे हैं, तो वो भी दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। ये देखो इधर इस साइड में जितना भी जो देख रहे हो ना पीछे की तरफ, ये पूरा माउंटेन कवर हो चुके हैं। और भाई तैयार हो गए सारे, एकदम रेडी है भाई। मजा आने वाला है। फिर कहाँ चल रहे हैं अभी? यूमथांग वैली चल रहे हैं, ऊपर के साइड चलते हैं। यूमथांग वैली चलेंगे अभी, वैली चलेंगे फिर उसके बाद चलेंगे जीरो पॉइंट। तो इसके बाद हमारा जो पॉइंट है यूमथांग वैली, बट उससे पहले हम चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में देखते हैं भाई क्या क्या मिलने वाला है, जहाँ तक चांस है कि ब्रेड और जैम मिलेगा, बाकी देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। और हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं भाई, फ्रीज, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, पूरा -4 हो रहा है और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है भाई, ज़बरदस्त। तो नीचे चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यूमथांग वैली। और जीरो पॉइंट भी चलेंगे, तो जीरो पॉइंट पे भाई अपने ओन रिस्क पे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ पे आपका पैकेज वाले नहीं ले जाएंगे, आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप जीरो पॉइंट पे जा सकते हो। तो हम भी चल रहे हैं सीधा जीरो पॉइंट पे चलेंगे पहले, और आपको जीरो पॉइंट पे दिखाते हैं। और वहाँ पे ऑक्सीजन की जिसको दिक्कत है तो वो थोड़ा अपना ऑक्सीजन सिलेंडर या कुछ ले जा सकता है साथ में, वरना ना जाए भाई, क्योंकि काफ़ी रिस्की मामला हो सकता है, ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे नज़ारे कुछ अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट नज़ारे, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, हमारे ड्राइवर साहब नाश्ता हमारा तैयार कर रहे हैं, ब्रेड और जैम, मिक्स फ्रूट जैम है और ये ब्रेड है, ये हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। और उसके साथ ब्लैक टी है, इधर ब्लैक टी रेडी हो गई है। यहाँ पे भाई ब्रेड भी टाइट हो गई है एकदम, ये देखो इतने टाइट हो गए, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई भाई। तो ये सब नज़ारे हैं भाई, यहाँ पे बहुत ठंडा है। अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करते हैं, ठीक है? ब्लैक जैम नाश्ता, फिर उसके आगे बूट वूट लेते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, हमने ग्लव्स व्लव्स ले लिए, देखो ग्लव्स लिया भाई, पिंक कलर के ग्लव्स मिले यार, क्या करें मजबूरी है। और ये बूट्स ले लिए भाई, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ है पर बूट। और ग्लव्स का ये जो पन्नी वाले ग्लव्स मिले हैं भाई 50 रुपये में मिले, बाकी ये जो 100-100 वाले ग्लव्स दिल्ली में हमारे, ये 250 में मिल रहे हैं, तो इसको मैं नहीं ले पाऊँगा, ठीक है? ये 50 वाले ले लिया, काम चलाओ। तो अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ, यहाँ पे लोगों को अभी डिस्काउंट करना सीखा नहीं है, अभी सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। नहीं लोगों को आता है पर मुझे नहीं आता है ये, इसको अभी डिस्काउंट करना नहीं आता, सीख रही है अभी, मम्मा से सीखेगी फिर पता चलेगा हमें आगे। तो चलते हैं भाई, ले लिया सामान, बढ़िया काटा भाई इन्होंने, बहुत बढ़िया काटा है, काट दिया ना इन्होंने तबीयत से काट रहा है, डिस्काउंट करना ही नहीं, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है? चलते हैं आगे जीरो पॉइंट पे। तो हम निकल चुके हैं भाई जीरो पॉइंट के लिए। तो यहाँ से देख सकते हो भाई हल्की हल्की बर्फ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, लाचुंग से नीचे से हल्की हल्की बर्फ स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी कुछ दिन पहले ये रास्ता खुला था भाई, 3-4 दिन पहले ये रास्ता खुला था, पूरा बंद हो चुका था क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे। तो अभी मौसम खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे आर्मी ने अलाउड कर दिया भाई जाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना नज़ारा एकदम अल्टीमेट है भाई, मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है ज़बरदस्त, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी यहाँ पे, -4 डिग्री हो रहा था इस टाइम पे भी टेम्परेचर। तो ये देख सकते हो भाई कितना ज़बरदस्त है भाई, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, एकदम अल्टीमेट पहाड़ दिख रहे हैं। तो आगे ऐसे और व्यू आने वाले हैं भाई, ऐसे रास्ता इन्जॉय करो आप। You make me lose the joy.
सो गाइस अभी जीरो पॉइंट जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे रुके हुए भाई, यहाँ पे एक फेमस शिव मंदिर है तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ के जो नज़ारे भाई अल्टीमेट है, पानी पूरा जम चुका है भाई, इधर नीचे जो पानी बह रहा है ना वो भी जम चुका है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, ज़बरदस्त वाली ज़बरदस्त ठंड हो रही है। तो एक बार ये देखो भाई पीछे के नज़ारे, तो ये देख सकते हो भाई ये अल्टीमेट नज़ारे हैं, पूरे ज़बरदस्त, पूरे चारों तरफ सिर्फ वाइट स्नो मिलेगी आपको। और ये यहाँ पे एक शिव मंदिर है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। बाकी जो नज़ारे हैं वो बहुत ही सही है भाई, मज़ा आ गया, मतलब एकदम ज़बरदस्त नज़ारे हो रहे हैं। और पूरा इधर ये वाइट स्नो से कवर्ड है, तो ये सब है। अभी ऊपर चल रहे हैं जीरो पॉइंट पे और वहाँ पे भी देखते हैं कितनी बर्फ मिलने वाली है। और नीचे अभी वापसी में आपको यमतांग वैली भी दिखाई देगी, यमतांग वैली में कैसे नज़ारे हो रहे हैं, ठीक है। और इधर ये जो पेड़ वेड़ पे भी भाई बर्फ़ रुकी हुई है थोड़ी बहुत, बाकी स्नोफॉल का तो कोई चांस है नहीं। बाकी आप बर्फ़ देख सकते हो भाई, काफ़ी बढ़िया बर्फ़ रुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ये सारे भाई हमारे इंजॉय कर रहे हैं भाई, बर्फ़ में इंजॉय कर रहे हैं भाई, हमारे कोलकाता से आए हैं शमीम भाई, साकिब भाई, और हमारे सब भाई बंधु अपने इधर है, लड्डा नायक, ये लड्डा नायक है। कैसा लगा लड्डा पहली बार बर्फ़ देख के? बहुत बढ़िया लग रहा है, बर्फ ही है ये ना, बर्फ़ ये पीछे तो है, चढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। अभी इनको बर्फ़ में चढ़ाएंगे और बर्फ़ में इनके साथ इंजॉय करेंगे। सो गाइस अभी हम हैं 12,800 फीट की ऊंचाई पे शिव मंदिर पे, यहाँ पे देख सकते हो अभी जीरो पॉइंट इससे भी ऊँचे है, तो ये देख सकते हो मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है 12,800 फीट की ऊंचाई पे है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये है अभी 12,800 फीट की ऊंचाई पे हैं हम, सी लेवल से देख सकते हो कितना ऊँचे हैं अभी, और इससे ऊपर और ऊपर जाएंगे जीरो पॉइंट, तो जीरो पॉइंट इससे भी, जीरो पॉइंट जो है वो इससे भी ऊँचे है, तो वो भी दिखाते हैं अभी आपको चल के। और यहाँ पर जो पानी बह रहा है ना, पानी सारा जम चुका है भाई, ये देख सकते हो, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो पूरा पानी इधर ये साइड से ना जम रहा है, ये देखो ये सारा, ये देखो पानी जो यहाँ से बह रहा है ना, ये देखो, तो ये पानी देखो यहाँ पे, ये पूरा पानी जम चुका है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ये तो थोड़ा सा धूप निकली हुई है जिस वजह से हम यहाँ पे क्या कहते हैं बाहर को आ पा रहे हैं और घूम पा रहे हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई। तो चलते हैं भाई जीरो पॉइंट की तरफ और दिखाते हैं आपको जीरो पॉइंट, आगे मिलते हैं। सो गाइज फाइनली वी आर इन जीरो पॉइंट सिक्किम, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं अभी नदी के ऊपर चल रहा हूँ और नदी जो है हमारी पूरी जम चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त नदी जम चुकी है और कट कट की आवाज़ आ रही है एकदम। तो ये है जीरो पॉइंट यहाँ का, ये देख सकते हो, तो एक बार नज़ारे चेक करो भाई पीछे की तरफ, ये पूरे नज़ारे हैं इधर, आगे मुझे कच्ची लग रही है थोड़ा सा नदी, तो रिस्क नहीं लेंगे। ये देखो तो ये देख सकते हो भाई, ये पूरी नदी थी भाई, तो ये पूरी जम चुकी है यार, क्या बढ़िया नज़ारे हो रहे हैं एकदम ज़बरदस्त। तो ये सारे नज़ारे हैं, तो हमारे साथ जो भी है अभी मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपसे। तो ये पूरे नज़ारे हैं, ये देख सकते हो भाई पीछे पूरे नज़ारे हैं ज़बरदस्त, ये देखो भाई पूरा एकदम स्लिप कर रही है स्लिप, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। जीरो पॉइंट पर हम, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी है, थोड़ा सा सांस लेने में भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। और ये देखो भाई जम गया, ये देखो ये जम गया, ये देखो पूरी नदी जम चुकी है भाई, ये देखो पूरी नदी जम चुकी है ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, चारों तरफ भाई स्नो 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 हो रही है, ओहो मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया अल्टीमेट अल्टीमेट। ये देखो यहाँ पे, ये देखो अल्टीमेट नज़ारे ज़बरदस्त। तो गाइस ये सब नज़ारे हैं जीरो पॉइंट के, तो अभी हम सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कौन कौन है, तो अपने बारे में बताओ भाई। हेलो मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, हम पहुँच चुके हैं जीरो पॉइंट और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है, बट ये यहाँ का नज़ारा जो है ना एकदम फंटास्टिक नज़ारा, माइंड ब्लोइंग नज़ारा। ये अपने भाई हैं बराफ, बताओ कहाँ से हो, क्या है? मैं हूँ भाई जिला बैराज आकरम अंसारी,
बताओ जिला भराई। क्या नाम है? क्या नाम है? सरफुद्दीन अंसारी। और ये भाई हमारे कोलकाता से हैं? कोलकाता से हूँ भाई मैं, शाकिब। ये हम लोग के 0 पॉइंट के व्यू भाई, देख लीजिए काफी जबरदस्त है भाई, काफी मजे आ रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ, आगे भी दिखाते हैं आपको। ये पूरी जो नदी है ये पूरी जम चुकी है भाई, बहुत ही जबरदस्त भाई। इतनी जबरदस्त ठंडी हो रही है, पूरा फ्रीज हो रहा है भाई, हाथ वाथ सब फ्रीज हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा है। तो ये ज़्यादा देर ऐसे यहाँ पे रुक पाना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बाकी देख सकते हो पीछे पूरा जो हिमालय, पीछे के जो है ना माउंटेन्स, वो पूरा एकदम क्या कहते हैं वो दिख रहा है लद्दाख की तरह। और इस साइड पे देखोगे ना, ये देखो ये पूरा पूरा जम चुका है। और हवा भी बहुत तेज चल रही है भाई, हवा काफ़ी तेज चल रही है हवा। और इधर इस साइड पे ये पूरा फ्रोजन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत तेज स्लिप हो रहा है। ये देख सकते हो भाई ये पूरी नदी है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है भाई, एकदम ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया भाई। पहली बार देखा भाई ऐसा, पूरा नदी जम चुकी है ये देख सकते हो भाई। तो करते हैं यहाँ पे थोड़ा शूट वूट और इन्जॉय करते हैं और आगे चलते हैं। बर्फ़ में अब इन्जॉय करने जा रहे हैं हम, ये देखो कैसे करते हैं इन्जॉय। तो ये सब नज़ारे हैं भाई, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंडा भाई, ग्लव्स में भूल गया हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सांस भी नहीं ले जा रही, सांस फूल गया भाई। गाइस अभी हम हैं तिब्बत बॉर्डर पे, और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जिसकी वजह से भाई साहब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है। अभी हम कम से कम है 14,000 से ऊपर की फिट पे, सी लेवल से 14,000 की फिट पे हैं हम सी लेवल से। तो सोच सकते हो भाई कितना ऊँचे हैं ये भाई, लद्दाख के बराबर है समझ लो, लद्दाख के जितना ऊँचे हैं। और भाई पूरा शरीर वरीर पूरा जाम हो चुका है भाई, पीछे पूरा एकदम ज़बरदस्त हो रखा है माहौल। अब इसके की आगे की बात हमारे अकरम भाई बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग चाइना बॉर्डर पे हैं और बहुत एंजॉय आ रहा है, मगर एंजॉय के साथ हम लोगों की फट भी रही है। और आप लोग को आना है तो एक बार आने का मौका ज़रूर यहाँ आइए आप, बहुत मज़ा आएगा, मगर पूरा इंतजाम के साथ आइए भाई, गलफ तलफ लेके जूता लेके आइए, बहुत मज़ा आएगा। और हमारे दो भाई हैं वो उधर जो है मज़े ले रहे हैं, हम लोग भाई दो इधर मज़े तो ले रहे हैं। भाई देखो कहने की बात यह है, और ये दिखा रहे हैं आपको हम हैं तिब्बत बॉर्डर पे, ठीक है, तिब्बत बॉर्डर पे। ये देख सकते हो बर्फ़ एकदम स्नो वाली, एकदम जो होती है ना कॉटन वाली, वो बर्फ़ हो रही है, देखो बहुत ही अल्टीमेट भाई। तो हम हैं चाइना तिब्बत बॉर्डर पे, अभी हम हैं इस तरफ इंडिया में, पीछे हमारे
चाइना तिब्बत बॉर्डर है। और ये नज़ारे देखो, क्या नज़ारे हैं भाई, ये बर्फ देख रहे हो, ओए होए होए होए, सारे पैसे इसी के हैं भाई, जो लगे हैं हमारे लोगों के तो इसी के हैं, बस यही है। चलो यार राजू, तो गाइस यहाँ से चलते हैं अब हम चल रहे हैं युमथांग वैली को, तो काफी मजा आएगा गाइस, युमथांग वैली को चलेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। ये देखो इसको कहते हैं बड़ा बड़ा